अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फादर एकेडमी। उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर्स फाइंड करने अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम के तहत फैक्टर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हमें पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। वैसे तो हम पिछले लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आए, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है पॉलीनॉमल, पी ऑफ एक्स पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन है, पी एन ऑफ एक्स क्या कहते हैं कि पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री एन स्टूडेंट्स, और क्यू ऑफ एक्स जो है क्वेश्चन है, और आर क्या है रिमाइंडर है स्टूडेंट्स। तो पी ऑफ एक्स और उसके बाद स्टूडेंट्स एक्स माइनस ए है। एक्स माइनस ए क्या है, ये लीनियर पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। तो इसको हम जिसकी एन जो है वो इक्वल टू वन है, और यहाँ पे एन जो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होगी स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे कि पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन पॉलीनॉमल रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वो एक्सप्लेन होता है रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन ऑफ एक्स। रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ये जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं पी ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस ए प्लस रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गई, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम स्टूडेंट्स। क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्वेश्चन है जो अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज़ करें डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन को, पी ऑफ एक्स को सपोज़ करें डिवाइड करें एक्स माइनस ए से, तो जो आंसर आता है यहाँ पे भी लिखते हैं यहाँ पे भी लिखते हैं आपकी मर्ज़ी जहाँ लिखें, तो उसको हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। और नीचे जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सपोज़ करें पाँच बचा है या सात बचा है या ज़ीरो बचा है या सी बचा है कांस्टेंट, सपोज़ करें सी कांस्टेंट बचा है, तो उसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स ये पॉलीनॉमल ये रिमाइंडर थ्योरम था। तो अभी हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, अगर स्टूडेंट्स कोई भी एक्सप्रेशन हमें दी गई हो तो उसके फैक्टर्स जो है कैसे फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ के आए हैं अभी कि पी ऑफ एक्स जो होता है वो एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। रिमाइंडर अभी हम पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स के पी ऑफ एक्स डैट इज इक्वल क्यू ऑफ एक्स और एक्स माइनस ए प्लस रिमाइंडर, को हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल वन, देन पी ऑफ एक्स की जगह वन पुट करेंगे, वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन माइनस टू, टू माइनस टू स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो पी ऑफ वन क्या हो गया ज़ीरो। तो हमें पता है कि अगर पी ऑफ एक्स जो है वो रिमाइंडर आता है पॉलीनॉमल में, किसी भी पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स अगर एक्स का वैल्यू रखते हैं तो वो रिमाइंडर ही आएगा। तो जो रिमाइंडर है वो अगर ज़ीरो आएगा तो जो एक्स का वैल्यू रखा है वो क्या होगा, वो रूट ऑफ डेट एक्सप्रेशन होगा। तो रूट हम किसको कहते हैं, ऐसा वैल्यू कि वो उस एक्सप्रेशन में पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन में पुट करें, ऐसा वैल्यू पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन में पुट करें तो पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर आए वो ज़ीरो आए, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये रूट है किसका, उस एक्सप्रेशन का ये रूट है स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन का ये रूट है। अभी आते हैं स्टूडेंट्स, अगर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल वन जो पुट किया है हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वन डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया फैक्टर। फैक्टर हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर हम अगर किसी भी पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन को हम किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन के साथ, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स लीनियर एक्सप्रेशन है, इसके साथ हम उसको डिवाइड करेंगे और आंसर जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आए, अगर रिमाइंडर जो आए वो ज़ीरो आए, ये हमने पहले भी लिखा था यहाँ पर, ये देखें स्टूडेंट्स कोई भी पॉलीनॉमल एक्सप्रेशन है ऑर्डर एन, उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो सपोज करें सी है, दिस इज़ रिमाइंडर,
जो रिमाइंडर बचेगा, अगर ये सी ज़ीरो बचता है, मतलब यहाँ पे ज़ीरो बचता है, कुछ भी नहीं बचता, तो उसको हम जो अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे कि ये जो है ये फैक्टर है किसका, दिस एक्सप्रेशन का, पी एन ऑफ एक्स का। तो इसको समझ में आ गई होगी कि x माइनस ए जो है ये फैक्टर है किसका, पी एन ऑफ एक्स, और q ऑफ एक्स जो है वो भी फैक्टर है पी एन ऑफ एक्स का, क्योंकि पी एन ऑफ एक्स को अगर q ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों क्या करते हैं, पी एन ऑफ एक्स को इक्वल डिवाइड करते हैं, मतलब इसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर ज़ीरो बचता है, तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टर समझ में आ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स हम उसको कहते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन, अगर कोई भी एक्सप्रेशन दूसरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करे और रिमाइंडर ज़ीरो बचे, तो जो पहली एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन है उसको हम कहेंगे कि ये फैक्टर है पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है एग्जांपल का x³ + x² -2, यहाँ पे जो हमने रूट फैक्टर फाइंड किया है इसका वो है x - 1 = 0। स्टूडेंट्स फैक्टर्स क्या फाइंड किया है, x - 1। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि मैंने पहले भी कहा है कि फैक्टर हम उसको कहते हैं कि एक लीनियर एक्सप्रेशन जो हो वो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करे, जो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो इसको हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है। तो ये तो एक फैक्टर फाइंड हो गया, तो हमें x³ + x² - 2 के फैक्टर्स फाइंड करने। दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि दूसरा फैक्टर जो है क्यू ऑफ एक्स, कोशेंट ऑफ एक्स, जो इसको हम आंसर कहते हैं, वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो वो फाइंड करेंगे, अभी कैसे फाइंड करेंगे इसको, x³ + x² - 2 x - 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। कि ये जो है माइनस इंटू प्लस, हमें पता है माइनस इंटू प्लस किसके बराबर है, माइनस के, प्लस इंटू माइनस किसके बराबर है, माइनस के। दो अपोजिट साइंस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आती है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाती है, माइनस। ये लिखते नहीं समझते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, 1 × x²। अब डिवाइड में जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनको क्या करते हैं, उनकी साइन चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x² - 2। यहाँ पे प्लस 2 जो है रखते हैं क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं समझते, 2x रखते हैं, x × x 2x² प्लस इंटू माइनस, माइनस स्टूडेंट्स 2 × 1 2x, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस हो गया स्टूडेंट्स, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स, 2x - 2। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस 2 रख देते हैं, प्लस इंटू प्लस, प्लस 2x, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे स्टूडेंट्स। और रिमाइंडर क्या बच गया, 0। रिमाइंडर 0 बचा तो कहेंगे कि ये और ये जो है ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, इसके। फैक्टर्स कौन कौन से हमने निकाले हैं, यहाँ पे x - 1 और दूसरा x² + 2x + 2। स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स फाइंड किए हैं हमने इस एक्सप्रेशन के।